हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और अभिप्सा एंड अभिप्सा टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का यूज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये बर्तन धोना। बर्तन धोना क्या है? बर्तन धोना एक कंपल्सन है, एक मजबूरी है। और ये क्या है? दवाई खाना। दवाई खाना एक नेसेसिटी है, एक जरूरत है, एक आवश्यकता है। और ये क्या है? देश की रक्षा करना, जो इतने ठंड में हमारे जो सैनिक है वो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, तो ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक दायित्व है, एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू का। सो लेट सी, जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ टू क्लीन द पोट्स, यानी उसे बर्तन साफ करना पड़ता है। तो उसे बर्तन साफ करना पड़ता है, तो ये क्या है? ये एक मजबूरी है, ये एक कंपल्सन है। सी हैज़ टू टेक द मेडिसिन, यानी उसे दवाई खानी पड़ती है। ये क्या है? ये एक नेसेसिटी है, ये एक ज़रूरत है, ये एक आवश्यकता है। दे हैव टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री, यानी उन्हें हमारे देश की रक्षा करनी है। तो ये क्या है? ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक ड्यूटी है, ये एक दायित्व है, एक कर्तव्य है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हम प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ करते हैं। सो लेट सी हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़। यदि इसकी पहचान की बात करें तो पहचान है ना है, नी है, ने है। ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। जैसे हमें पढ़ाई करनी है, उसे उसका इंतज़ार करना है, या हम कह सकते हैं कि हमें सुबह जल्दी रोज़ उठना पड़ता है, हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें उनकी बात सुननी पड़ती है। सो इस तरह से स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये हो गया अफर्मेटिव का और ये हो गया नेगेटिव का। ये हो गया इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये हो गया WH क्वेश्चंस और ये WH क्वेश्चंस प्लस नेगेटिव। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? WH क्वेश्चंस यानी जैसे व्हाट हो गया, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इस तरह से। अब बता दें कि हैज़ टू का यूज़ हम किन के साथ करें एंड हैव टू का यूज़ हम किन के साथ करें। तो आई वी यू दे और एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा लोग या चीज़, इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैव टू का। यदि बात करें ही, सी, इट एंड नेम, इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ टू का। तो ये हुआ हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़। अब हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, या यूँ कहें कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है, तब हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I have to learn English. मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी है। I have not to learn English. क्या मुझे अंग्रेजी सीखनी है? Have I to learn English. क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी है? Have I not to learn English. मुझे अंग्रेजी क्यों सीखनी है? Why have I to learn English. मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं सीखनी है? Why have I not to learn English. So इस तरह से यदि मैं why की जगह पे when कहूँ, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे कि मैं why की जगह पे when करता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा? When have I to learn English, यानी मुझे अंग्रेजी कब सीखनी है। अब मैं when की जगह पे मैंने लिखा where, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? Where have I to learn English? It means मुझे अंग्रेजी कहाँ सीखनी है। यदि मैं लिखूँगा how, तो how का मीनिंग क्या हो जाएगा? कि how have I to learn English? मुझे अंग्रेजी कैसे सीखनी है। So इस तरह से हम जो है when, where, how, which, इस तरह से WH questions का हम use कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और examples. I have to go to college on foot. So यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कि मुझे जो है कॉलेज पैदल जाना पड़ता है। राम हैज़ टू गो टू कॉलेज ऑन फुट। देखिए, जैसे कि आई के साथ हमने हैव टू का यूज़ किया है, और राम के साथ जो कि फर्स्ट एक ही व्यक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ टू का यूज़ किया है। तो राम हैज़ टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, यानी राम को कॉलेज पैदल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू वर्क इन द फील्ड, यानी उसे फील्ड पे काम करना पड़ता है। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट मीन्स हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सी हैज़ टू वेट फॉर द बस, यानी उसे बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। सो ये तो रही बात प्रेजेंट टेंस की। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हम हैड टू का यूज़ करते हैं, यानी सारे सब्जेक्ट्स के साथ
हैड टू का यूज़ करते हैं। पहचान की बात करें तो पहचान इस तरह से ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे। जैसे हमें काम करना था, हमें पढ़ाई करनी थी, हमें अंग्रेजी सीखनी थी, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी, हमें उनकी बात माननी पड़ती थी, हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता था। सो इस तरह से स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटर प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चंस प्लस नेगेटिव। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी थी या मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी, मजबूरी में सीखनी पड़ती थी, चाहते हुए ना चाहते हुए भी सीखनी पड़ती थी, तो इस तरह से हम जो है हैड टू का यूज़ कर सकते हैं। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी या मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, I had to learn English. मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी थी, I had not to learn English. क्या मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, had I to learn English. क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी थी, had I not to learn English. मुझे अंग्रेजी क्यों सीखनी थी, why had I to learn English. मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं सीखनी थी, why had I not to learn English. इसी तरह से हम when, where, how का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। I had to go to college on foot. It means मुझे कॉलेज पैदल जाना पड़ता था, यानी पहले की बात हो रही है। राम हैड टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, यानी राम को कॉलेज पैदल जाना पड़ता था। ही हैड टू वर्क इन द फील्ड, इट मीन्स उसे फील्ड पे काम करना पड़ता था। वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी हमें रोज़ सुबह, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। सी हैड टू वेट फॉर द बस, यानी उसे बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। सो इस तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या फिर विल की जगह पे हम जो है शैल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। पहचान की यदि बात करें तो ना होगा, नी होगी, ने होंगे, या ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, या ने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना होगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी या माननी होगी। सो इस तरह से हम जो है पहचान देख सकते हैं। स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरह से है, जहाँ पे हम विल या शैल का यूज़ करते हैं और आगे जो है हैव टू का ही यूज़ होगा। हैव टू, हैज टू का यूज़ फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। तो विल की जगह पे शैल का यूज़ करो या शैल की जगह पे विल का यूज़ करो, दोनों का एक ही सेंस है। पहले क्या होता था कि आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते थे और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते थे, बट अब हम सबके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं और सब सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल की यदि बात करें तो एग्जांपल इस तरह से है। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी या मुझे अंग्रेजी सीखनी होगी, तो ये हो जाएगा आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी पड़ेगी, विल आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ेगी, वाई विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं सीखनी पड़ेगी, वाई विल आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से यदि हम वैन का यूज़ करें तो हो जाएगा वैन, यहाँ पे why की जगह पे हम when, where, which, how इनका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ examples देख लेते हैं। जैसे I will have to go to college on foot, यानी मुझे कॉलेज पैदल जाना पड़ेगा। राम will have to go to college on foot, यानी राम को कॉलेज पैदल जाना पड़ेगा। He will have to work in the field, यानी उसे फील्ड पे काम करना पड़ेगा। We shall have to get up early in the morning, यानी हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। She will have to wait for the bus, यानी उसे बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। सो इस तरह से हम जो है has to, have to, had to, will have to, shall have to का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं। सो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और अभी डाउनलोड कीजिए अभिप्सा ऐप, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।